हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप किसी भी सैमसंग के मोबाइल में अगर कॉल रिकॉर्डिंग को अनेबल करना चाहते हैं और साथ ही दोस्तों जो कॉल रिकॉर्डिंग आप अपने मोबाइल में करते हैं उनको चेक करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। मतलब कि दोस्तों, जब भी आप किसी को कॉल करें या दोस्तों आपको किसी की कॉल आए, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों वो कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास बाद में अवेलेबल हो। तो इसको किस तरह से आप अपने वैल में कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपने फोन वाले एप्लीकेशन को अपने वैल में ओपन कर लेना है। चाहे दोस्तों आप सैमसंग का कोई भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, इसके लिए दोस्तों आपने सर्च के साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करना है और सेटिंग्स को यहां पर आपने ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को दोस्तों जैसे ओपन करोगे तो यहां पर आपको एक अलग से सेटिंग देखने को मिल जाती है, रिकॉर्ड कॉल्स। इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपने क्लिक करना है और दोस्तों यहां पर दूसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है, ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स। इस वाली सेटिंग्स को दोस्तों आपने अपने वैल में अनेबल कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आपको कोई कॉल आएगी तो यहां पर ऑटोमेटिक वो दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग पर लग जाएगी। जो कॉल रिकॉर्डिंग दोस्तों आपके वैल में यहां पर हुई है, उसके कॉल रिकॉर्डिंग के नोटिफिकेशन को अगर आप अपने वैल में लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर ही आपको नोटिफिकेशन वाली भी सेटिंग देखने को मिल जाती है। इसको भी दोस्तों आप अपने वैल में यहां पर अनेबल कर सकते हैं। इसके नीचे दोस्तों आपको तीसरे नंबर पर एक और ऑप्शन देखने को मिलती है, रिकॉर्ड कॉल्स। मतलब कि दोस्तों जितनी भी आपने यहां पर अपने वैल में बात की होंगी, कॉल रिकॉर्डिंग जो हुई होंगी, उन सभी को दोस्तों यहां पर आप अकेले को चेक कर सकते हो। जिस भी कॉल रिकॉर्डिंग की दोस्तों आपको जरूरत है, यहां से दोस्तों आप उसको चेक कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने सैमसंग के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग को अनेबल कर सकते हो, साथ ही दोस्तों चेक भी कर सकते हो कि कहां पर आपके मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग हुई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना जो भी सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं।